फ्रेंड दुनिया बदल चुका है। पहले हम लोग जो काफी यार किताब में कर रहे थे, अभी वो मोबाइल और कंप्यूटर में शिफ्ट हो रहा है। जो अभी पहले का जमाने में जो काफी में बड़ा बड़ा किताबें बड़ा बड़ा फाइलें रखा जाता था, अभी पूरा के पूरा ऑनलाइन में शिफ्ट हो रहा है। हम लोगों का ये जो बदलते हुए दुनिया में आगे जाना है, पीछे तो कोई रहना नहीं चाहते, तो क्या करना है फ्रेंड, हम लोगों को भी कुछ इस तरह चेंज करना चाहिए मेरा हिसाब से। जैसे हर आदमी को, जैसे कोई भी छोटा बड़ा बिजनेस है उसको जो उधारी तो हर किसी को होता है, तो वो हिसाब रखना कभी कभी बहुत ही दिक्कत वाली बात हो जाती है। जैसे कोई काफ़ी में लिख के रखते वो खो जाते, फिर टाइम पे याद नहीं रहते कि पास कौन सा पैसा है। तो अगर ऐसा कोई ऐप आपको मिल जाए जो किसके पास कितना पैसा है, उसका फ़ोन नंबर, उसका फ़ोटो भी लगा हुआ हो, और फिर कब तक उससे पास से पैसा लेना है, किसको कब पैसा देना है, उसका नोटिफिकेशन भी अगर आप पाते रहे तो कैसा होगा। मान लीजिए आपको पास किसी के पास से आपको पैसा लेना है, कब लेना है, उस टाइम पे अगर किसी आपको मोबाइल से आपको नोटिफिकेशन भेजा जाए, आपको याद कराया जाए जो आज उसके पास से पैसा लेना है, आज उसको पैसा देना है, किसके पास कितना उधारी है, किसके पास से क्या लेना है देना है, आपको बिजनेस भी ऐसा करके चला सकते हैं, तो मेरा हिसाब से फ्रेंड बहुत ही अच्छा होगा। तो अभी मैं जो सजेस्ट कर रहे थे ओके क्रेडिट, आप सुना ही होगा, तो ओके क्रेडिट आप भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। आप एक बार आप सीख जाओगे तो आपका जितना भी प्रॉब्लम है, जितना भी इतना दिन से काफ़ी किताब में लिख रहे थे, आपका कोई भी हिसाब निकाश बहुत ही आसान हो जाएगा मेरा हिसाब से। अगर आप यूज़ करोगे तो आप खुद ही महसूस करोगे जो प्रॉब्लम आप इतना दिन से झेलते आए हो वो कितना आसान हो गया। तो फ्रेंड आप अगर सीखना चाहते हैं जो कैसे यूज़ किया जाते हैं, तो वीडियो को बिना स्किप करके आखिर तक देखते रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थ्योरेटिकल सम्राट यूट्यूब चैनल, मैं सम्राट विश्वास आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबा देना। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड ये जो ऐप है आप प्ले स्टोर से भी ले सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से भी आप ले सकते हैं, लेकिन स्टार्ट कर लेना। तो अगर इधर में लेना चाहते हैं तो ओके क्रेडिट लिख देना, तो ऑटोमेटिकली आपका सामने आ जाएगा। तो इधर में मैं तो पहले से इंस्टॉल करके रखा हूँ, अभी अभी आपका सामने ओपन करूँगा, तो अभी इंस्टॉल कर लेना, इधर से ओपन कर लेना। तो फ्रेंड ओपन करने के साथ साथ आपका सामने कुछ इस तरह इंटरफेस खुल जाएगा। तो आप जो भी भाषा पसंद करते हैं, जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगाली, कोई भी इधर से आप चूज कर सकते हैं। इधर में और एक भाषा भी ऐड किया गया है फ्रेंड, इंग्लिश। मतलब इंग्लिश में तो लिखोगे लेकिन भाषा आएगा हिंदी में, तो इसको इंग्लिश बोलते हैं। तो सिंपली मैं इधर में इंग्लिश ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद फ्रेंड इधर में पहले जो करना पड़ेगा मेरे को, मेरा जो मोबाइल है वो वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इधर में आपको दिख जाएगा, तो वेरीफाई मोबाइल के ऊपर क्लिक कर लेना। तो ऊपर में आपको मोबाइल नंबर डाल देना, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको इधर से ओके कर देना। फिर आपको एक वेरीफिकेशन कोड भेजा जाएगा जो ऑटोमेटिकली ले लेगा, आपको बैठाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं वो ऑटोमेटिकली वो वेरीफाई कर लिया। तो इधर में अलाउ कर देना। फ्रेंड आपका जो होम पेज आएगा उस इस तरह आ जाएगा। तो आपको कैसे क्या करना है इसका हेल्प के ऊपर एक वीडियो बना के आपको सामने रख देगा, जो आपको यूज़ करने में आसानी हो। तो मैं तो ऐसे ही आपको सिखा रहा हूँ, तो वीडियो आप नहीं भी देखोगे तो भी चल जाएगा। तो सिंपली ऑप्शन के बटन में क्लिक कर लेना, तो ऊपर में आपको दिख जाएगा आपका नंबर, फिर आपका नीचे में आपका अकाउंट का ऑप्शन आएगा, फिर व्हाट्सअप का ऑप्शन आ जाएगा, फिर इधर में शेयर अबाउट अस एंड प्राइवेसी एंड पॉलिसी का भी आ जाएगा, फिर साइन आउट भी कर सकते हैं, सिंग आउट भी कर सकते हैं इधर से। तो अकाउंट में चला जाते हैं, पहले तो मेरा जो अकाउंट है सेटअप कर लेते हैं। इधर में फ्रेंड आपका प्रोफाइल में चला जाना, प्रोफाइल में जाने के बाद इधर से आपका फ़ोटो भी लगा सकते हैं, फ़ोटो भी चूज कर सकते हैं, फिर आपका नेम भी इधर में डाल सकते हैं। तो मैं सिंपली इधर से फ़ोटो लगा लेते, गैलरी से ले लेते एक फ़ोटो, अलाउ कर देते। तो इधर से कोई भी एक फ़ोटो में इधर से चूज कर लेते, फिर ओके कर देते। तो आप देख सकते फ्रेंड मेरा जो फ़ोटो है उधर में लग चुका है। इधर में आपका जो प्रोफाइल है ये पूरा के पूरा फिलअप करके रखना आपके लिए अच्छा होगा, अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो। तो इधर में मेरा जो ईमेल है फ्रेंड वो ऐड कर लेते हैं, फिर ओके पर क्लिक कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली ऐड कर लेगा। फिर इधर से फ्रेंड लोकेशन भी ऐड कर सकते, जैसे लोकेशन के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह अलाउ मांगेगा, तो अलाउ कर देना।
फिर आपको बिजनेस को, कौन सा भी बिजनेस है उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। अगर नहीं चाहते तो नहीं भी बता सकते, कोई बात बड़ा बात नहीं। इधर में पर्सनल कॉन्टैक्ट भी इधर में दे सकते हैं। ये तो आपका प्रोफाइल जो फ्रेंड ये सेटअप हो चुका है, इतना आसानी से आप आपका प्रोफाइल सेटअप कर सकते हैं इसमें। अभी बताते फ्रेंड इसमें कस्टमर कैसे ऐड किया जाता है। तो आपको नीचे में ऑलरेडी दिख जाएगा ऐड कस्टमर, तो इसमें क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद इधर में जाके कोई भी नाम लिखना, लिख के पहले तो उसको नाम लिखना पड़ेगा, जैसे मैं लिख देते, लिख के फिर इधर में ओके कर देते। ओके करने के बाद फ्रेंड इधर में ये तो उसका नंबर मांग रहा है, तो इधर में मेरा उसका जो नंबर है दे देते, फिर ओके कर देते। और इधर में उसके पास से कोई पैसा लेना है कि देना है वो भी आप इधर में देख सकते, लिख सकते। मान लीजिए किसी के पास से आपको पैसा लेना है तो सिंपली एक्सेप्ट पेमेंट में क्लिक कर लेना। और जितना भी लेना है वो आप 100 रुपया, मतलब नीचे 100 रुपया लेना है, लेके फिर क्लिक कर लेना। और उसका फोटो भी इधर में लगा सकते हैं फ्रेंड, जिसके पास से पैसा लेना है फिर देना है। इधर में अगर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली फोटो उसका सामने से आ जाएगा, गैलरी से भी दे सकते हैं आप और डायरेक्ट कैमरा से भी दे सकते हैं। तो जिसके पास से भी आपको पैसा लेन देन करना है, कभी कभी ऐसा होता है फ्रेंड जो इतना ज़्यादा पैसा वाला नहीं है को फिर भी उधारी करने का ज़रूरत पड़ती है, तो आप आसानी से ये जो फॉर्मूला है उसको फ़ोटो ले सकते, फिर उसका मोबाइल नंबर भी ले सकते, लेकिन सेव करके रख सकते। कोई भी 10 रुपया भी हो तो भी आप आसानी से इधर से सेव कर पाओगे। तो ये तो हो गया फ्रेंड कैसे आप जो कस्टमर है, हो सकता है आपका दुकान का जो ये है आपको 100,000 कस्टमर भी ऐसा हो जिसका नाम लिखने का ज़रूरत पड़े, तो इधर में फ्रेंड आप आसानी से इसका नाम लिख के रख सकते हैं। और उसका जो पेमेंट है उसको पास पैसा देना है कि उसके पास से लेना है, ऐसा भी आप इधर से आसानी से यूज़ कर पाओगे। और इधर में फिर से अगर कोई नंबर अगर ऐड करना चाहते तो इस तरह उसका नाम लिखना, उसका मोबाइल नंबर लिखना, इस तरह आप भी कर पाओगे। और जैसे मैं बता रहे थे फ्रेंड आपको नोटिफिकेशन भी भेज देगा और उसको भी अलर्ट कर देगा, वैसे उसके पास भी एक मैसेज चला जाएगा जो मैं उसका पैसा मांग रहा हूँ, तो लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली वो अलर्ट हो जाएगा, उसको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसे मैं वो जो 100 रुपया है मैं और भी 100 रुपया मान लीजिए लिखना है, मैं और भी 100 रुपया ऐड कर लेते, फिर ऐड में क्लिक कर लेते। फिर इधर में फ्रेंड आपको साइड में सेंड का ऑप्शन मिल जाएगा, सेंड में आप SMS भी भेज सकते हैं। अगर कॉल में क्लिक करोगे तो उसको डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं आसानी से, उसका नंबर तो ऐसे ही रहेगा, उसका नाम का ऊपर जाओगे उसका फोटो उसका सारे डिटेल्स आपके सामने आ जाएगा, तो आसानी से आप कर पाओगे। तो सेंड में क्लिक कर लेते फ्रेंड, करने के बाद आपको सामने दो ऑप्शन आ जाएगा, एक तो मिनी स्टेटमेंट ऑफ व्हाट्सएप, मतलब व्हाट्सएप का द्वारा मिनी स्टेटमेंट भेजना चाहते हो उसको, जिसके पास सबको पैसा लेना है फिर देना है, इसमें कोई मतलब नहीं है। फिर आप इधर में मंथली रिपोर्ट भी कर सकते हैं, जैसे मंथली रिपोर्ट व्हाट्सएप में अगर करोगे तो ऑटोमेटिकली ये मंथ में यही तारीख को उसको नोटिफिकेशन जाते हर महीने में उसके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सिंपली मिनी स्टेटमेंट भेजना चाहता हो तो उसके ऊपर क्लिक कर लेते एंड यहाँ पर ओके कर देते। ओके करने के बाद फ्रेंड आप देख सकते आसानी से इधर में मिनी स्टेटमेंट उसके पास चला गया है। तो इस तरह किसी के पास से भी आप पैसा लेना है फिर देना है उसको SMS भी कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, और आपको अलर्ट करते जाएगा आप कौन सा तारीख पे, आप तारीख भी इधर में सेट करके रख सकते हैं। और इधर में इतना ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है जो आपको दिक्कत होने वाला है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ फ्रेंड आपको समझ में आ गया है कैसे यूज़ करना है। ये तो इतना दिक्कत वाली बात नहीं है, आप एक बार अगर इसमें आओगे तो आसानी से कर पाओगे। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आपको फ्रेंड के साथ आपका रिश्तेदार के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि उसका भी थोड़ा काम पे आ जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और हमेशा हमारे साथ में रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार।